हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहीद मेजर शैतान सिंह को पुण्यतिथि पर किया याद। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की 56वीं पुण्यतिथि रविवार को श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर जोधपुर के पावटा चौराहा स्थित मेजर शैतान सिंह सर्किल पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और सेना के जवानों ने मेजर को पुष्पांजलि अर्पित की। सेना ने समारोह पूर्वक अपने मेजर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका स्मरण किया। शहीद मेजर शैतान सिंह के बलिदान दिवस पर पावटा स्थित मेजर शैतान सिंह सर्किल पर गरिमामय सैन्य व नागरिक समारोह आयोजित किया गया। इस श्रद्धांजलि समारोह में सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक व नागरिक शरीक हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बीआरएस राठौर ने बताया कि मेजर शैतान सिंह भारतीय थल सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात मेजर भारत चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 को लेह लद्दाख में चुशुल एयरपोर्ट को बचाते हुए रिजांगला की लड़ाई में शहीद हो गए थे। शहीद होने के समय वे 37 वर्ष के थे। रिजांगला पहाड़ी पर लड़ाई में 120 में से 114 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से एक को परमवीर चक्र, 8 को वीर चक्र और बाकी को सेना पदक से सम्मानित किया गया था। मेजर शैतान सिंह को अदम्य साहस व बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया था। शहीद होने के बाद उनके गांव का नाम मेजर शैतान सिंह नगर व फलोदी से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित बानासरा स्टेशन का नाम मेजर शैतान सिंह स्टेशन रखा गया। आज यह स्टेशन चीला गांव में है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।